हरिओम, मैं मीरावीरा पुरोहित। मैं कांदिवली चारको उपासना सेंटर की प्रमुख सेवक हूँ। मैं नायर में काम करती थी और मैं अपने परम पूज्य बापूजी को सन 1981 से पहचानती हूँ। वार्ड इंचार्ज होने के नाते मेरा महत भाग्य था कि मुझे परम पूज्य बापूजी तथा डॉक्टर अनिरुद्ध धैर्यधर जोशी को उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं अपना अनुभव बताने जा रही हूँ। उस साल मतलब 2002 अनिरुद्धा अकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की थी और बापूजी ने अपना कार्य शुरू किया था। उन दिनों में शाहूनगर माहिम में बिल्डिंग नंबर 4 में रहती थी और शाहूनगर के बाजू में ही अग्निशमन केंद्र है। जब ही ये कार्य शुरू हो गया उस वक्त दादर माहिम कमेटी में होने के कारण मैं दूसरे ही दिन उन्हीं अफसरों को मिली और उनके साथ चर्चा की थी। बाद में आया 15 अगस्त 2002 अपना ध्वजवंदन दिन और मैं सुबह ध्वजवंदन को जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले मैंने सब्जी रोटी बनाई थी और मुझे 2 बजे अपने नायर अस्पताल के ड्यूटी पर रुजू होना था। जाने से पहले मैंने अपने पति को आनंद को बोला कि मैं आने के बाद में कुकर लगाऊंगी। मैं बाहर निकली, ध्वजवंदन हो गया और उस कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद में जब मैं शाहूनगर ब्रिज से उतर रही थी तो मैंने देखा कि लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। माहौल कुछ अजीब सा था, मुझे ध्यान में नहीं आया कुछ तो हुआ है, इतना ही समझ में आया था। मैं आगे निकली तो मेरे ही बिल्डिंग के सामने 2-3 अग्निशमन दल की गाड़ियाँ, 2-3 पुलिस वैन खड़ी थी। बहुत भीड़ थी लोगों की, फिर भी मुझे पता नहीं हुआ कि कुछ हुआ है मेरे ही घर में। मैं भीड़ से, मेरे दिमाग में इतना ही था कि मैं जल्दी से जल्दी खाना पका के ड्यूटी के लिए निकल जाऊं। उसी भीड़ से मैंने रास्ता निकाला, देखा तो मेरे खिड़कियों से धुआं आ रहा है, बहुत धुआं आ रहा था और ऊपर से एक लड़का दौड़ते दौड़ते आया, आंटी आपने कुकर लगाया था क्या? तो मैंने बोला नहीं रे। देखा तो अग्निशमन दल के अफसर थे, वो बोले मैडम हमें पता था आप ध्वजवंदन को गई है, हम सोच रहे थे आपका दरवाज़ा तोड़ दे। तो मैंने उनको बोला अरे ये आपत्ति है, बिल्डिंग बचानी है तो दरवाज़ा तोड़ सकते थे। मैंने उनके साथ बात करते करते ताला निकाला और मैं अंदर घुसी, मेरे पीछे पूरी भीड़ अंदर आई। धुएं में कुछ दिखाई नहीं दिया था। मैं घुसी किचन में तो किचन में क्या देखा, गैस की चाबी तो बंद थी, वो गैस जला नहीं था लेकिन एकदम गर्म लग रहा था। खोल के देखा तो दाल चावल अच्छी तरह से पका था और मुझे बहुत आश्चर्य, लोगों को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसा हुआ। मैं मन ही मन जान गई कि ये सब सद्गुरु का काम है। मैंने आनंद को बताया था कि मैं आने के बाद में कुकर लगाऊंगी, उतने में आनंद जी आए। मैंने उनको पूछा तो बोले कि तेरी जल्दी जल्दी हो जाएगी, तू बिजी है इसलिए मैंने कुकर लगाया, मुझे बाहर जाना था, मैं ताला लगा कर गया। आते वक्त मुझे ख्याल आया कि मैंने गैस बंद नहीं किया था। सुना, ये गैस बंद किसने किया? मेरे सद्गुरु ने, क्योंकि उनको मेरी चिंता थी। यही विट्ठल मेरे लिए दौड़ के आए और आगे का पूरा काम किया अंबज्ञ। अब मुझे दूसरा अनुभव बताना है, वो है उदी का चमत्कार। 13 जून 2014, मेरी पोती सौदामिनी को मेदू वड़े बहुत पसंद आते हैं इसलिए मैंने मेदू वड़े करने को लिया। उसको खेलने की जल्दी थी, मुझे उसे वड़े खिलाने थे। कढ़ाई में तेल लिया, मैंने उसे बोला ठहर जरा, थोड़े से वड़े खाकर ही तू निकलना। कढ़ाई में तेल डाला और क्या होता है कि हल्का सा पानी का हाथ लगाए तो आसान होता है वड़े तेल में छोड़ने के। मैंने पानी का एक छोटा सा बर्तन बाजू में रखा था और पानी का हाथ लगाकर मैंने 5-6 वड़े किए, उसको चटनी के साथ परोसे। बाद में क्या हुआ
कि बाहर मेरी मामी जी और मेरे पति आनंद जी बाहर गपशप लड़ा रहे थे और मेरे कान उधर थे। जैसे ही मैंने दूसरे वड़े डाले और निकालने के लिए गई तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम उबला हुआ तेल मेरे चेहरे पर, और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। क्या हुआ था मुझे पता ही नहीं चला। मेरी लड़की ने मुझे बर्नौल ला के दिया, बर्फ़ ला के दिया। मैंने मन ही मन बापू का नामस्मरण शुरू करते बाहर गई, उदी ली, और जैसे साबुन लगाते हैं चेहरे पर वैसे उदी लगाई चेहरे पर, और क्षण भर में इतनी ठंडक मिली कि जैसे कुछ हुआ नहीं था। बाद में देखा तो ऊपर स्लैब पर, ज़मीन पर, दीवार पर, सब जगह पर तेल ही तेल था। मुझे सब पूछने लगे कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मैं कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था। हाँ, बाद में पता चला कि वो जो तेल की झारी वो मैंने पानी के बर्तन में डाली थी और उसी झारी से मैं बड़ा निकालने लगी। देखा कुछ हुआ नहीं। वो शुक्रवार का दिन था। दूसरे दिन जब भी मैं उपासना सेंटर को गई शनिवार को, मैंने ये अनुभव सबको बताया, सब श्रद्धावानों को बताया, तो बोले अरे कुछ एक भी दाग नहीं है चेहरे पर, ऐसा लगता ही नहीं कि इतनी बड़ी बात हो गई। सिर्फ बाएं हाथ पर जो तेल उड़ा था छोटी सी जख्म थी, बाकी कुछ नहीं था। अगर मेरे सद्गुरु मेरे जीवन में सक्रिय ना होते तो मैं आज विद्रूप होती, कोई मुझे पहचानता ही नहीं। और ये उदी, अनमोल उदी, ये विनामूल्य अनमोल दवाई है अपने लिए। हर घर में ये उदी रहनी चाहिए। ये उदी ही पूरे अपनी दवाइयों का काम ही नहीं, और बापूजी का अपने ऊपर जो प्यार है वो ही बताती है, और बापू की ये लीला ही अपने जीवन में हमें अनुभव देती है। हरिओम अम्बन्या।